की जो 4000 की चीजें है वो 250 में मिल रही है। तो हम अभी वीडियो बना रहे हैं और हम फेमस होना। Hey guys, welcome back to my channel। आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। अभी जस्ट हम लोग यहाँ पर ये रिमोट पकड़ के एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हमें तू जाने मैं हवा तू मुर्जा। तो अभी हम वो ट्राई कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आज ब्लॉग में आते हैं। जिसने नहीं सोचा वो मैंने स्टार्ट किया। तो गाइस शूट डन, अब मुझे होना रेडी क्योंकि मुझे जाना है आज क्लास और आज हमारा शूट। तो इस बार क्या है कि सर ने हमें बहुत जल्दी बुला लिया, 3 बजे बुला लिया पहले ही। तो मैं जाती हूँ क्लास 4 बजे, आज 3 बजे बुलाया तो मुझे निकलना पड़ेगा 2 बजे। और क्योंकि आपको पता है ना, मैंने बताया था 1 घंटा मुझे जाने में लग जाता है तो और आने में भी 1 घंटा लग जाता है, तो मेरा 4 घंटे आज फंस गए। और मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी थी कि आजकल ना फेक आईडी बना के दूसरों से पैसे मांग रहे हैं। तो सेम मेरी बहन के साथ भी ये हुआ है, उसकी फेक आईडी बना दी और उसी के दोस्तों से पैसे मांग रहा है। वो तो अच्छा किसी ने दिया नहीं, पता नहीं क्या चल रहा है। और मैं जल्दी से रेडी होती हूँ अभी क्योंकि शूट है ना। और यहाँ पर मेरा भाई सो गया, इसका हाथ कट गया था ना आज, ये देखो बेचारा आम काटते हुए चाकू से काटा उसको, आज बहुत डर लग गया। पहली बार से पता चला कि कैसे काटने पर क्या होता है। तो रेडी हूँ, अब चलते हैं क्लास और इसका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम देने जा रही है आज। तो सर ने स्पेशली मुझे पर्सनली मैसेज किया था कि टाइम पे आना, तो आज मैं टाइम पे पहुँच ही जाऊँगी और सर खुश हो जाएंगे। बेसमेंट, मैंने बेसमेंट नहीं दबाया। गुड मॉर्निंग आप सभी को। अभी हम आए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए और भाई जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, बहुत ही सॉलिड। सुबह जो मैं डेजी को घुमा रही थी ना, तब मतलब बारिश हो रही थी। अभी क्या है थोड़ा कम हो गया है, बारिश नहीं हो रही है और बहुत ही मस्त मौसम हो रहा है। मतलब ठंडी हवा चल रही है मस्त, और धूप भी आ रही है और ठंडी हवा भी चल रही है। बारिश का मौसम हो चुका है, पूरा क्लाउडी क्लाउडी है। आपको बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जैसे कि आपने भी देखा। मेरी कमर टूट गई। क्या लाइफ है बहुत, ऐसे सो जाओ। यहाँ देख रहे हो मम्मी का कमाल, कल रात की सब्जी का ये देखो उपाय, इसको पीसो उसके बाद पराठा बना दो उसका। पर ऐसे कौन पीसता है मम्मी, ऐसे कौन पीसता है? इसलिए पीस रही तुम लोग, ऐसे खाओगे ना कोड़े में जाएगा, कोड़े से बड़े 2 पराठे बना लो खा लो। हाँ गाइस, कल की सब्जी ऐसे पीसो और खा लो, हरा धनिया लहसुन मिर्ची वगैरह डालो, टेस्टी बन जाती है। ओहो, और क्या बर्बाद करने से चक्कर में तो किसी के पेट में चला जाएगा। और यहाँ खाए जा रहे हैं पराठे और यहाँ शॉर्ट वीडियोस देखते हुए, नहीं रील देखते हुए। ये देखिए, कह रहे मुझे मत दिखा बहुत पिटाइए। मम्मी के बनाए पराठे जो मैंने दिखा दिया, ये देखो कैसे बनाया मैंने, ये मम्मी ने सब्जी भी बनाया। हाँ मुझे सबको पता है, मैंने दिखा दिया। वो भी जस्ट रेडी हुए हैं और हम बाहर जा रहे हैं। तो हम चारों के चारों बहने जा रहे हैं, पापा भी, और थोड़ा मुझे आराम से बोलना पड़ेगा क्योंकि आरा को पता चल गया तो वो भी हमारे साथ आएगा। सबसे पहले उठी थी मैं 5 बजे। अच्छा, क्या बकवास कर रही है? 8 बजे उठी थी आज। बताओ पापा पहले नीचे सो रखे थे, फिर वहाँ से मम्मी ने एक लात मारी, फिर तुम लोग बेड पे लेटे, उसके बाद तुम दूसरे कमरे में लेट गए। पहले मैं अपनी कहानी सुनाती हूं। पहले मैं दूसरे कमरे में सो रही थी बेड पे, फिर मैं दूसरे कमरे में इसके साथ नीचे सो रही थी। फिर मैं वो मम्मी ने बिस्तर डाला, फिर हम ऊपर बेड में सो गए। हाँ। मैं उठ गई थी, ये सो ही रही थी तब। हाँ पता नहीं खुशी को ऐसी नींद आती है कि पता नहीं तो बहुत अच्छा फोन करना आती तो यही है घर की। क्या बोल रहे ये है? ओ मैं तो दिन में भी नहीं सोती, ये तो दिन में भी सो जाती है। कब सोती हो? सोती नहीं है ये, हमेशा सोती है दिन में। दिन में हमेशा सोती हूँ मैं। और पापा हमें रोज सुबह, पापा रोज रात को बोलते सुबह ना पानी डाल के ना उठाऊंगा तुम्हें, डंडे से बाहर निकाला ना घर के, तो मेरे ऊपर भी डालता कल। पापा कहते हैं कि सुबह पार्क चलेंगे 7:30 में, और खुद हमसे ज्यादा रोए रोते हैं सही में खराटे मारते हुए। ये जो नाक के जो इतनी बड़ी नाक दिख रही है इसी से खराटे निकालते हैं बड़े बड़े। सच बता रही हूँ, पापा के बगल में कोई नहीं सो सकता, इतनी गंदे खराटे मारते हैं। फिर मैं तो नहीं मारता कराटे, इतने बड़े कराटे लेते ना, मम्मी की नाक बंद करती मेरे पापा के, फिर पापा थोड़ी देर के लिए शांत होते हैं और फिर से वापस वही कराटे मारते हैं। ये इतनी बड़ी नाक से तो गाइज अभी हम जा रहे हैं वेयर हाउस, और मैं आपको लोकेशन बाद में बताऊंगी। और वेयर हाउस जहाँ पर अलग अलग ब्रांड्स के स्टॉक होते हैं, तो अभी वहाँ जा रहे हैं हम लोग। और हमने एक वीडियो में देखा था, मतलब हमने यूट्यूब में ही देखा था ये, तो हमने वीडियो में देखा था कि जो 4000 की चीजें हैं वो 250 में मिल रही है। पता नहीं कैसा है, अभी पता चलेगा जाके। हाय माय बेस्ट फ्रेंड, शीतल के बेस्ट फ्रेंड है तो। ओह हेलो, ऐसे बात मत कर, मैं पिछले जन्म में गाई थी। पापा लोकेशन ढूंढने में लगे हुए हैं और हम यहाँ पर ये खेल रहे हैं। तू भी बढ़िया आज हम तीनों बहन ब्लैक हो रखे हैं, बट ये अलग से पर्पल हो रखे हैं। शेर का भी हमेशा अकेला, शेर क्या शेर हमेशा अकेला रहता है, बोल चले ढंग से। शेर है तो सबसे बड़ी पजामा लेने के लिए बोलते हैं अलग से, इससे पहले हम वो पजामा ले। ये देखो गाइस, जो कुछ नहीं मिलता तो मैं ऐसे बातचीत करती हूं। ये वीडियो बना रही है, मैं गंदी शक्ल बना के बैठी हुई हूं। जब गाइस कुछ नहीं मिलता है ना, फिर ऐसी जगह मिलती है तो सब कुछ भाई। ये यूट्यूब में दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। तो नहीं मतलब था, ऐसा ही था, बट आप अपने हिसाब से नहीं ले सकते हो कपड़े। वो ये कि आपको 50 पीसेस मिल जाएंगे और आपको या तो कहते हैं एक्स्ट्रा लार्ज होगा या तो स्मॉल होगा, बट वो पूरा आपको दे देंगे। और हमारा हाँ दुकान वालों के लिए सही है, हमारा तो काम नहीं आएगा, तो वही है। तो यहाँ पर सबकी शक्ल बनी हुई है, हम एक मतलब ज्यादा दूर नहीं आए पर हाँ दूर आए हैं, और वही की मुंह बन गया सबका। अब बाहर आ गए तो फिर चलो सरोजिनी नगर चलते हैं। फिर के हम आए हैं सरोजिनी नगर, पापा का टक्कर चमक रहा है। सरोजिनी नगर आ गए। क्या कह रही है? ज़्यादा अच्छा कौन सा है? आते शॉपिंग कौन सा अच्छा है? ये जो कपड़ों के साथ अच्छा लगता है ये, और ये दिखाइए कैसा है। तो यहाँ कब हो जाता है? नहीं ये अच्छा है भाई। कैसी लग रही है? ऐसी नहीं हो रही, नहीं हो रही ना, ऐसा स्ट्रॉबेरी वनीला अच्छी है। हाँ जूते लेके आ रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हो आप? ये आपको खुशी नहीं हो रही? आपके लिए जूते लेके आ रहे हैं। मुझे कोई खुशी नहीं, मुझे तो गमी गम है आपको। बस पहुंच गए 2 मिनट में, काट दिया। कौन है तू? आ रहा सबसे पहले हमारा थैला देखिएगा कि कुछ है कि नहीं। यार बेशरम लड़की को देख रहे हैं। आते ही सो गई है, इसकी शक्ल देखें और आरव की शक्ल देखें। गाइस हम लोग तैयार होते हैं, अब जा रहे हैं मॉल, और मैं अपने गीले भालों में आई हूँ। कितना टाइम लगा दिया इसने। हाँ तो भाई मैं ना हमारे साथ एक और लड़का है जो पता नहीं इतना स्टाइल मार रहा है। तो गाइज हमने शूट कर रहा और बहुत अच्छी वीडियो भी आई है और एक अच्छा सा रिएक्शन भी आया है। तो हम आए गोलगप्पे खाने के लिए। ये हमारे गोलगप्पे विशेष नेतानी क्या टेस्टी टेस्टी। अरे अरे तो गाइस हमने एक वीडियो बनाई है और हम दिखाते हैं। रुको भाई रुक, ओ भाई एयरटोड, ओ तेरी। अबे देखिए पहली रोड क्रॉस कर लिया इसने। बैक इन होम और मैं तो सो गई थी। तो जहाँ हम गए थे वेयर हाउस, वहाँ पर मतलब हमारा पोपट हो ही गया क्योंकि वो हमारे लिए नहीं था, वो एक मेन एक जिनका शॉप होगा उनके लिए था। तो हमारा हम पूरा टाइम वेस्ट किया हमने आज वहाँ पर। और बाकी आज शूट में करने में बहुत मज़ा आया। पीछे से आपने देखा था उन सबका रिएक्शन जो पीछे से डांस कर रहे थे वहाँ मेरे साथ। और चलो आज का व्लॉग करते हैं एंड आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और अब से मैं कोशिश करूँगी, मैं रेगुलर हूँ, मतलब एक दिन छोड़ के आ ही जाता है व्लॉग। अभी मैं 2 दिन से मैंने नहीं डाल पाई, बट हाँ रेगुलर होने की कोशिश करूँगी। तो या लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना और नया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भूलना। तो मैं मिलती हूँ आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।